हम लोगों ने फॉर लूप्स का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल गया था, फॉर लूप कैसे रन होता है, लिस्ट को यूज करके फॉर लूप हमने रन किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर लूप्स नेस्टेड। इफ एल्स नेस्टेड थे, उसी तरह फॉर लूप भी नेस्टेड होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम आगे देखते हैं। अटलांटिक रिकॉर्ड्स हैज हायर्ड यू एंड मी टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ नेम्स फॉर फ्यूचर रैप स्टार्स। देखिए उसने एग्जांपल, अटलांटिक रिकॉर्ड्स कोई कंपनी है, उन्होंने हायर किया जी बंदों को कि वो रैप स्टार्स की उन्होंने एक लिस्ट जनरेट करनी। टू मेक थिंग्स इजी वी विल स्टार्ट बाय मेकिंग सेपरेट लिस्ट ऑफ सम फर्स्ट नेम्स एंड लास्ट नेम्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की अलग अलग लिस्ट बनानी है। By combining each of the first name with each of the last name, we can generate 20 different full names of rappers. So, हमने 20 total names बनाने हैं। First name को और last name को आपस में join करना है। जो noteworthy बात यहाँ पे किया है कि first name की अलग list है और last name की अलग separate list है। Starting with Blu-ray, we go through the list of last names generating. हम लोगों ने combination बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ब्लू रे के साथ ये सारे लास्ट नेम लगाएंगे, फिर अप चंक के साथ सारे लास्ट नेम लगाएंगे एंड सो ऑन। तो हमने ब्लू रे से स्टार्ट करना है। ब्लू रे के साथ ये पहले जी आएगा, फिर बर्प आएगा, डॉग बोन आएगा, ड्रूप आएगा, ये ब्लू रे के साथ साथ ये वर्ड सारे आते रहेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, ये चार हमने नाम जनरेट कर लिए। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, अप चंक के साथ जी आएगा, अप चंक बर्प, अप चंक डॉग बोन, अप चंक ड्रूप, इसी तरह लो जैक and so on आगे आगे। We move to the first name, next first name, upchunk again, we go through the list of last name generating, upchunk के साथ दोबारा से last name generate करेंगे। तो इसमें हम लोग असल में क्या कर रहे हैं, जो समझाने वाली बात ये है वो ये है कि पहले हमने list का first member उठाया, फिर उसको दूसरी list के सारे member के साथ attach किया, फिर हम जंप कर गए लिस्ट के सेकंड मेंबर पे, फिर सारों को सारे अटैच किया, फिर थर्ड मेंबर पे, फिर सारों को सारे अटैच किया एंड सो ऑन। इसको अगर एनाकोंडा में बनाते हैं पाइथन पे, सॉरी मैं ऑन करता हूँ पाइथन, एक मिनट वेट करो। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक लूप लगाओगे इस लिस्ट का, जिसमें आप बारी बारी आगे आगे जा रहे हो, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है। ब्लू रे तो फिक्स हुआ हुआ है, दूसरी लिस्ट के नाम बारी बारी चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसा लूप क्रिएट करेंगे जिसमें ये लिस्ट यूज होती है आगे वाली, लास्ट नेम वाली। तो उसका क्या होगा कि आप ये नेम पिक करोगे और बारी बारी लूप के थ्रू ये नाम उसके साथ अटैच करते रहोगे। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे ये नेम पिक करना है, फिर ये नाम अटैच करते जाना है, फिर ये थर्ड नेम पिक करना है, फिर नाम अटैच करते जाना है। तो जो लूप लगेगा वो इस वाली लिस्ट का लगेगा। अब इसको पाइथन पे बना के देखते हैं, ऑन होने दो। असाइनमेंट आप लोगों की बन गई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आया असाइनमेंट में? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, हो गया था वो मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई सर, मैंने अपने नेम से ये लैपटॉप से दूसरे अकाउंट से ज्वाइन किया मीटिंग। चलो, आपकी अटेंडेंस लग गई है? यस सर, अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, कोई नहीं।
अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, फर्स्ट नेम की लिस्ट। फर्स्ट नेम की लिस्ट है आपके पास? फर्स्ट नेम में हमारे पास है ब्लू रे है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे, इसके बगैर भी हो जाता। नहीं, ब्लू लगाने पड़ते हैं बस। उसके बाद है आपके पास के बाद है हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट नेम की लिस्ट है। फिर हम लास्ट नेम्स की लिस्ट बनाते हैं, इसको नेम्स के लिए। ये हमारे पास आएगी कि रिवर डॉग। ठीक हो गया। तो ये दो लिस्ट हमारे पास बन गई है। अब हमारा जो काम है, हमने क्या करना है, फर्स्ट हर फर्स्ट नेम के साथ सारे सारे लास्ट नेम अटैच करना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं। फॉर ए लूप का वेरिएबल है ए इन लास्ट नेम। ठीक है, और अब प्रिंट करेंगे फर्स्ट नेम का जो जीरो लोकेशन पे है प्लस ए। रन करके देख, फर्स्ट नेम्स है ये। लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल। क्या प्रॉब्लम है इसमें? फॉर ए इन लास्ट नेम प्रिंट फर्स्ट नेम जीरो प्लस ए, टाइप एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल। इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? अभी आ गया इस वक्त आने का। ये लिस्ट में ये जीरो लिखते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स में लगाते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स? स्मॉल ब्रैकेट होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट होती है। हेलो, आवाज आ रही है भाई सबको? जी सर, आ रही है। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें अब हम लोगों ने क्या किया है भाई, इसको देख ले। प्लस लगाया यहाँ पे हम लोगों ने, दो लिस्ट बनाई है, एक फर्स्ट नेम की और एक लास्ट नेम की।
उसके बाद हमारा जो टास्क था वो क्या था कि हम लोगों ने फर्स्ट नेम के साथ सारे लास्ट नेम अटैच करने हैं, पहले सबसे पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ, फिर तीसरे वाले के साथ, फिर चौथे वाले के साथ और फिर पांचवें वाले के साथ। अभी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई है लास्ट, क्योंकि लास्ट नेम बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है लास्ट नेम की, तो फॉर लूप लगाया सॉरी लास्ट नेम की लिस्ट के साथ, और मैंने प्रिंट में कर दिया फर्स्ट नेम का जो जीरो या फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने अटैच कर दिया लास्ट नेम के एलिमेंट के साथ बारी बारी, तो ये लिस्ट बन गई। ठीक है, अब जब मैंने ब्लू रे के साथ सारे नाम अटैच कर दिए, मैंने अप चंक के साथ नाम अटैच करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दोबारा से फॉर लूप लगाऊंगा इसी जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसमें क्या होगा कि ए की जगह चलो मैं सपोज बी यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे बी यूज कर लेता हूँ, यहाँ जीरो की जगह वन यूज कर लो, तभी आप देखो कि ब्लू रे और अब चंक आ गया, ब्लू रे के साथ पहले सारे लास्ट नेम थे, फिर अब चंक के साथ सारे लास्ट नेम। अब अगर मैंने इस लो जैक के साथ भी ये अटैच करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और इस फॉर लूप में क्या होगा, ए ही वेरिएबल हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे मुझे टू करना पड़ेगा, अब तीसरा भी आ गया, तो मैं बार बार लूप लगाता जा रहा हूँ। अब लूप का मकसद क्या होता है, लूप में हम लोग एक लिस्ट के एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं, तो जो इस वाले लूप में अगर मैं सिर्फ इस वाले लूप को देखूँ तो मैं किस कौन से लिस्ट के एलिमेंट्स को रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये जी बर्ब डॉगबोन और ड्रूप इन चार एलिमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके दूसरी दूसरा जो लूप है उसमें भी मैं इन चार को रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड में भी इन चार को रिपीट कर रहा हूँ, फोर्थ में लगाऊंगा गिज्मो के लिए उसमें भी ये होगा, डू रैक के लिए भी होगा उसमें भी यही कुछ होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो फर्स्ट नेम की लिस्ट है वो भी रिपीट हो रही है, इस वाले लूप में जीरो था फिर वन था फिर टू था, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे थ्री हो जाएगा, उससे अगले में क्या होगा, उससे अगले में यहाँ पे फोर हो जाएगा। देखिए हमारे पास पूरा कोड बन गया है और इसमें हम लोगों ने पांच लूप लगाए हैं, हर इंडिविजुअल लूप में लास्ट नेम रिपीट हो रहा है, और अगर हम लूप अक्रॉस द लूप जाके देखें तो उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम रिपीट हो रहा है, फर्स्ट नेम जीरो वन टू थ्री फोर, फर्स्ट नेम आगे से आगे जाया जा रहा है। अगर मैं फर्स्ट नेम के आगे एक और नाम ऐड कर देता हूँ, जैसे हम लोग एमिनम ऐड कर देते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और लूप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फोर को कर दूंगा फाइव, फिर अब यहाँ पे मुझे एक और चीज आगे ऐड करनी पड़ गई। तो यहाँ पे रिपीटिशन की अगर बात करें, लूप का मकसद क्या होता है कि रिपीटिशन को सिंप्लीफाई करना, तो हमने लास्ट नेम की रिपीटिशन को तो सिंप्लीफाई कर लिया बड़ी आराम से, लेकिन हम फर्स्ट नेम की रिपीटिशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सके, हमें फर्स्ट नेम को बार बार लूप लगा के उसको यूज करना पड़ता है, बजाय कि हम इसको भी वो करें, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करें। एक और चीज़, लूप का फायदा क्या होता है कि अगर मैं लास्ट नेम की लिस्ट को बढ़ा देता हूँ, और लास्ट नेम की लिस्ट मैंने जब फर्स्ट नेम की लिस्ट को बढ़ाया था मुझे एक और लूप एक्स्ट्रा लगाना पड़ा था, अगर मैं लास्ट नेम की ही लिस्ट को बढ़ा के यहाँ पे कोई और नाम ऐड कर देता हूँ, कोई सा भी नाम ऐड कर दे, रैक हम ऐड कर देते हैं, अब मैं इसको रन, अब मुझे ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ अपने कोड में एडिट करने की, क्योंकि मैं लास्ट नेम को एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो लास्ट नेम में मैं जो भी चेंजेस करूंगा कोड में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस अपने आप अकोमोडेट हो जाएंगी। लेकिन लास्ट नेम में अगर हम सर जितने भी नाम ऐड कर दें वो होते जाएंगे खुद ही ऐड, हाँ वो खुद ही होते जाएंगे, अगर आप देखो तो यहाँ पे रैग भी ऑटोमेटिकली ब्लू रे रैग अप चंक रैग खुद ब खुद ही आते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट नेम को एज इट इज यूज किया हुआ है, लास्ट नेम के साइज का कहीं पे भी हमने मेंशन नहीं किया हुआ, तो लास्ट नेम का साइज जितना मर्जी रख लो उसी हिसाब से कोड अकोमोडेट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट नेम को हमने कहीं पे भी यूज, फर्स्ट नेम को हम लोगों ने उसकी लोकेशन के वाइज उसके एलिमेंट के वाइज यूज किया हुआ, तो फर्स्ट नेम के एलिमेंट जब चेंज होंगे एडिट होंगे तो हमें कोड को उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने फिफ्थ एलिमेंट सिक्स्थ एलिमेंट जब ऐड किया था तो हमें ये फॉर लूप एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा था लास्ट वाला, और अगर इन केस मैं यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं कोड को रन करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरा कोड में एरर आ जाता है, क्योंकि ये जो आखिरी लूप है ये लूप फालतू का लगा हुआ है,
क्योंकि फर्स्ट नेम का जो फाइव एलिमेंट है या सिक्स एलिमेंट है वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है. हमारे फर्स्ट नेम में है ही टोटल पांच एलिमेंट, सिक्स एलिमेंट का रूप हमने वैसे ही लगाया है. सर हमें कर... फर्स्ट नेम एडिट कर दें सर, उसकी नेम की जगह कोई और नेम लिखें फिर. तो कुछ भी कर लो इसको, आप कुछ भी कर लो. अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका लूप फिर भी खराब होगा. इसको मैं सिर्फ नेम कर लेता हूँ. आपको यहाँ पे नेम्स लिखे हुए सर, आप यहाँ पे क्या कर लें, सॉरी दोबारा पूछो. सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमने अंदर नेम्स लिखे हुए हैं ब्लू रे, आप चेक कर, इनमें से हम कोई नेम मतलब इसकी जगह कोई और नेम कर दें तो वो चेंज होगा या एरर आ जाएगा? ये इसके अंदर अगर अभी जो मेरे पास ये लोकेशन है ना छह एलिमेंट्स की, उसमें एरर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, लोकेशन यूज करें, लोकेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमें गर्ज, इसको गर्ज नहीं होती. इसने फर्स्ट नेम जीरो लिखा हुआ ना, जीरो पे आप जो मर्जी कर दोगे ना गंद मंद लिख दोगे तो वो वही वैसे का वैसा रिपीट कर देगा. ये तो फंस ही गया है. क्या आजाद है सर, पेज रिफ्रेश करें हो जाता सर. तो आपका जो नहीं, ये फंस ही गया. मैं नहीं खोल नोटबुक. नेम्स अभी मैंने ये नाम चेंज किया ना, तो ये देखो जो मैं लिख रहा हूँ वही कुछ आ जाता है यहाँ. क्योंकि आप वेरिएबल की लोकेशन जब यूज करते हो ना तो वो लोकेशन के ऊपर जो भी चीज पड़ी होती है उसी को पिक कर लेते. तो यहाँ पे आप जो मर्जी लिख दो वही चीज रिपीट हो जाती है. पॉइंट असल में यहाँ पे ये है कि जब ए के अंदर मैं जो भी चेंजेस करता हूँ ना, लिस्ट को बढ़ाता हूँ कि डिक्रीज करता हूँ. अभी ए में मैंने एक चीज ऐड की थी तो मुझे कोड चेंज नहीं करना पड़ा था. अगर मैं ए में एक चीज सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, चार के बजाय तीन इसमें एलिमेंट हो जाते हैं, मुझे फिर भी कोड को एडिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फिर कोड ऑटोमेटिकली तीन को ही यूज करेगा क्योंकि मैं लास्ट नेम की पूरी लिस्ट को यूज कर रहा हूँ बजाय इसके कि मैं उसकी लोकेशन को यूज करूँ. तो अब ये जो फर्स्ट नेम की जो लिस्ट है उसमें भी आप देखोगे कि रिपीटिशन उसी पैटर्न में आ रही है कि लिस्ट शुरू से स्टार्ट हो रही है और एंड पे जाके एंड हो रही है. तो बजाय इसके कि मैं फर्स्ट नेम को एलिमेंट्स को यूज करूँ, मैं फर्स्ट नेम के भी लूप को यूज कर सकता हूँ. अगर मैं एक लूप लगाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम का लास्ट नेम के बजाय, फर्स्ट नेम का मैं लूप लगा रहा हूँ और इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ. फर्स्ट नेम का हमारे पास ये प्रिंट हो गया है लूप. क्या था फर्स्ट नेम? ब्लू रे. ठीक है, तो फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया. अब जो मेरी लिस्ट है वो फर्स्ट नेम की है. अब ये लिस्ट में क्या हो रहा है कि बारी बारी मैं फर्स्ट नेम के हर हर एलिमेंट को उठा रहा हूँ. तो मैंने इस लोकेशन पे लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को उठाया है. जब ये लूप स्टार्ट हुआ तो पहली दफा लूप स्टार्ट हुआ तो ए की वैल्यू क्या थी? ब्लू रे थी. नेक्स्ट टाइम लूप में ए की वैल्यू अब चंक थी. तो मैं बजाय इसके हर हर एलिमेंट को यूज करूँ, मैं एक यहाँ पे एक और लूप लगा देता हूँ बी वेरिएबल का. लास्ट नेम्स. अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ए प्लस बी. अभी इसको रन करो. अभी मुझे एक ही, मैंने दो लूप एक दूसरे के साथ अटैच करके लगाए हैं और मेरे पास सारी लिस्ट बन गई. ये समझ आई है कोड सबको? इसमें आप देखो ये स्मॉल ए है ना, असल में ये हमारे ये लास्ट नेम्स है.
और जो बी है ये सॉरी ये फर्स्ट नेम है और जो बी है वो लास्ट नेम है. हम लोगों ने लूप के वेरिएबल को उस हिसाब से चेंज कर दिया, फर्स्ट और बी जो है वो लास्ट. अब इसमें क्या है कि पहली दफा जब ये लूप चलता है, इसको हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, पहली दफा लूप चला तो फर्स्ट वेरिएबल में क्या वैल्यू सेव हुई थी, ब्लू रे सेव हुई. अब आप एक चीज नोट करें कि जो ये जो लूप है ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ये लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक आपके पास टैब आ गया, इसके ऊपर दो टैब्स हैं, तो मतलब ये जो प्रिंट है ये फर्स्ट वाले लूप का भी पार्ट है, क्योंकि इसमें दो टैब्स हैं, प्रिंट एट द सेम टाइम दो लूप्स का पार्ट है, इस वाले लूप का भी और ऊपर वाले लूप का भी, क्योंकि इसमें दो टैब्स हैं, दो टैब्स का मतलब है ये किसी की दो फंक्शन का पार्ट है. तो ये जो प्रिंट है ये फर्स्ट लूप का भी पार्ट है, सेकंड लूप का भी पार्ट है. फर्स्ट टाइम लूप चला था हमारे पास तो क्या था कि फर्स्ट टाइम लूप चला तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, ब्लू रे की, ये पहले लूप चला था. अब हमने नेक्स्ट लाइन पे जंप किया, अब यहाँ पे अभी भी फर्स्ट की जो वैल्यू है वो ब्लू रे के इक्वल है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक और लूप स्टार्ट हो गया, उसका वेरिएबल है लास्ट. तो अब क्या हुआ कि हमारे पास अब फर्स्ट के साथ साथ एक लास्ट वेरिएबल भी आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है क्योंकि जो लास्ट है वो लास्ट नेम्स के साथ लूप बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लास्ट नेम लिस्ट की फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जी. तो अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट इस लोकेशन पे फर्स्ट वेरिएबल में ब्लू रे सेव हुआ है, लास्ट वेरिएबल में जी सेव हुआ है. इस लाइन पे क्या हुआ, हम लोगों ने प्रिंट किया फर्स्ट स्पेस और लास्ट, तो क्या आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ब्लू रे और स्पेस आएगी और साथ आएगा जी. ठीक है, हम लोग इस एंड पे आ गए. अब यहां से हम लोग वापस जाएंगे पहले लूप पे, जो इंटरनल लूप है, नेस्टेड लूप उसको बोलते हैं. यहाँ पे अब क्या हुआ कि लास्ट जो है वो लास्ट वेरिएबल जो है वो सेकंड एलिमेंट पे जंप करेगा लास्ट नेम्स की, तो वो जी से जंप करके बर्फ पे चला जाएगा. अब क्या हुआ कि लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो बर्फ है, फर्स्ट की वैल्यू वही है ब्लू रे, लास्ट की वैल्यू बर्फ हो गई है. अब जब प्रिंट होगा वो क्या होगा, ब्लू रे बर्फ. उसके बाद दोबारा से हम लोग फर्स्ट लूप पे जाएंगे, फर्स्ट लूप पे गए हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि लास्ट, अब ये जो लास्ट वेरिएबल है ये लास्ट नेम्स की थर्ड एलिमेंट पे जंप करेगा, यहाँ पे अभी डॉग बोन हो गया, और जब प्रिंट होगा तो यहाँ पे डॉग बोन प्रिंट होगा. अब जब हम दोबारा इस फॉर लूप पे जंप करते हैं वापस यहाँ से वापस जाके, तो पता लगता है कि जो लास्ट नेम की लिस्ट थी वो खत्म हो चुकी हुई, लास्ट नेम की लिस्ट खत्म हो गई है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस लूप को खत्म करना पड़ेगा. जब हम इस लूप को खत्म करके नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, इस लूप को हमने खत्म किया, हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आएगी, ये लूप खत्म हो गया, ये लूप तो खत्म हो गया इंटरनल लूप, लेकिन एक्सटर्नल लूप तो नहीं खत्म हुआ. तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि एक्सटर्नल लूप की क्या वैल्यू बनेगी. तो हम लोग दोबारा से यहाँ से जंप करते हैं. अब फर्स्ट की जो वैल्यू थी वो ब्लू रे थी, लेकिन अब जब क्योंकि लूप सेकंड टाइम रन हो रहा है तो फर्स्ट की वैल्यू ब्लू रे से चेंज होके अब चंक हो जाएगी, अब चंक होगी. अब वापस हम लोग, हमने दोबारा से ही फॉर लूप स्टार्ट किया, अब लास्ट की वैल्यू है जी, फर्स्ट की वैल्यू है अब चंक. अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अप चंक और जी. तो हम लोगों ने पहले ब्लू रे के साथ की तीनों चीजें प्रिंट की, फिर अप चंक के साथ की तीनों चीजें प्रिंट होगी, उसके बाद लोजैक आ जाएगा, उसके बाद गिज्मो आ जाएगा, फिर डूरैग आ जाएगा, फिर एमिनेम आ जाएगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने दो लूप्स को आपस में अटैच कर दिया, उनका नेस्ट बना दिया. तो उससे क्या होता है कि पहला लूप की फर्स्ट वेरिएबल के लिए सेकेंड लूप के सारे वेरिएबल्स रन होते हैं, फिर उसके बाद हम पहले लूप के सेकेंड वेरिएबल के लिए या सेकेंड एलिमेंट के लिए हम लोग सेकेंड लूप के सारे एलिमेंट्स को रन करते हैं, फिर थर्ड एलिमेंट के लिए सारे एलिमेंट को रन करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ आ गई, आ गई होगी समझ? यस सर, आ गई है. ना ही तो आप वीडियोस देख लेना ही. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा है, हम लोगों ने लूप के अंदर लूप अटैच करना सीखा है, कि लूप के अंदर लूप कैसे अटैच करते हैं. यहाँ पे वो आपको बना के दिखा रहा है,
फर्स्ट नेम की लिस्ट बना दी, लास्ट नेम की लिस्ट बना दी, फुल नेम उसने एक नई लिस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है फुल नेम के नाम से, जो कि अभी एम्प्टी है। इसके अंदर हम लोग वैल्यू सेव करेंगे। हम लोगों ने, मैंने तो डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया ना, तो ये असल में फुल नेम के अंदर वैल्यू सेव करना चाह रहा है। यहाँ पे उसने क्या किया, फॉर ए फर्स्ट नेम इन, फॉर अ फर्स्ट नेम इन फर्स्ट नेम्स, तो इसका हम, मैंने जो ए वेरिएबल या फर्स्ट वेरिएबल रखा था उसने ये वेरिएबल रखा है, और उसका जो फर्स्ट लूप है वो फर्स्ट नेम की लिस्ट में है, फर्स्ट नेम्स की लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे टैब की स्पेस आ गया, मतलब जो सेकंड लूप है वो फर्स्ट लूप का पार्ट है, उसके लूप का वेरिएबल का नाम है अ लास्ट नेम, और लास्ट नेम्स जो है वो उसकी लिस्ट का नाम है, सेकंड लिस्ट का नाम। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि फुल नेम में वो बारी बारी अपेंड कर रहा है वैल्यूज को, फर्स्ट नेम और स्पेस और लास्ट नेम। तो मैंने जो प्रिंट करवा दी थी, असल में वो क्या कर रहा है, वो फुल नेम्स की नाम से एक और लिस्ट है, उसके अंदर वो वैल्यू सेव करवाता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास नेस्टेड लूप है, हम लोग करके भी देख लेते हैं सेव करवा रहे जो, इसी कोड को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे आप लोग बना लो फुल नेम्स, और ये एक लिस्ट है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करवाना है यहाँ पे। डॉट अपेंड, हमारे जो वेरिएबल है वो है लास्ट प्लस स्पेस प्लस फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट स्पेस लास्ट। और अब आप क्या करो, इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ फुल नेम्स, तो ये फुल नेम की लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होगी, इसमें सारे नाम सेम है। आप देखो ब्लू रे जी, ब्लू रे बर्ब, ब्लू रे डॉग बोन, ब्लू रे फिर अपचंक जी, अपचंक बर्ब, अपचंक डॉग बोन एंड सो ऑन, जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया था वो लिस्ट की फॉर्म में सेव हुआ। सर नोटबुक को सेव किस फॉर्मेट में करना है? क्या चीज सर, नोटबुक फॉर्मेट में सेव किस में करें सर?